बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं चिकन की स्टिक बोटी सिखा रही हूँ आपको। उसके लिए हम सबसे पहले चिकन में ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट भी हाफ टी स्पून, और ये रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून क्यूमिन एंड कोरिएंडर रोस्टेड एंड क्रस्ट, और हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करके साथ हम इसमें 1/4 कप जितना वाटर ऐड करेंगे। इसको कवर करके इसका पानी ड्राई होने तक और जब तक चिकन टेंडर हो जाए तब तक पकाएंगे इसको। तमाम चीज़ों को इसके साथ मिक्स करें। ये चिकन की बहुत छोटी छोटी बोटियां हैं, बहुत छोटी हमें क्यूब्स में कटी हुई बोटियां रखनी है, क्योंकि हमें ये कॉकटेल स्टिक पे चढ़ानी है जो कि खुद स्टिक्स भी छोटी हैं, तो इसलिए बोटियों के पीसेस बहुत छोटे होने चाहिए। ये मेरे पास 200 ग्राम जितनी चिकन थी जिसमें हमने ये तमाम चीज़ें ऐड की। अब इसको मैं कवर करके स्लो फ्लेम पर चिकन के गलने तक पकाऊंगी, जब तक चिकन कुक हो जाए और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए, चिकन का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और चिकन अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें मैं एक बॉयल पोटैटो इसी साइज़ में, जिस साइज़ की चिकन है क्यूब्स में कटी हुई, इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चिकन की कोटिंग है वो इस बॉयल आलू में भी लग जाए, और उसके बाद इसको हम कम्प्लीटली कूल कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। ये चिकन और पोटैटो ठंडे हो गए हैं। ये मेरे पास कॉकटेल स्टिक्स हैं छोटी छोटी सी, अगर आपके पास ना हो तो आप वुडन स्क्वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पहले एक चिकन का पीस, फिर एक बॉयल पोटैटो का पीस और फिर एक चिकन का पीस इसमें इस तरह से ऐड करेंगे और तमाम स्टिक्स इसी तरह हम बना लेंगे। ये सारी चिकन और पोटैटो जो है वो स्टिक पे चढ़ा लिए। अब हम एक अंडे में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट, एक टेबलस्पून जितना मिल्क, ऐड करके इसको बीट करेंगे। ये एग बीट कर लिया है कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट के साथ, थोड़ा मिल्क डाल के। अब हम एक एक स्टिक इसमें डिप करेंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तेल अभी गर्म नहीं हुआ है मेरा, इसको मैं थोड़ा फ्लेम हाई कर देती हूँ। ये बहुत ही मज़े की लगेंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाइट साइज़ हैं, आप चाहें तो बड़ी वुडन स्क्वायर्स पे भी बना सकते हैं। जब एक साइड सेट हो जाए तो फिर हम इसे टर्न कर लेंगे
जब ये एक साइड हो जाएगी तो हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये कॉकटेल चिकन स्टिक रेडी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें न्यू अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।